हाय फ्रेंड्स, आज हम अपने गांव के एक ऐसे बच्चे से आपको मिलाने वाले हैं जिसके पास अपने उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी और आंकड़े हैं। इनकी उम्र केवल 5 वर्ष है और जैसा कि साइकोलॉजी की थ्योरी में बताया गया है कि लाखों बच्चों में से किसी एक में ऐसा टैलेंट या प्रतिभा देखने को मिलती है। तो आइए इस बच्चे से मिलते हैं। मिलने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये भी बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे चैनल का नाम सेरा मल्टी टैलेंट है तो इस पर आपको अलग अलग वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए अब मिलते हैं इस बच्चे से। हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज आदत चौधरी, माय बिल नेम इज सेरा, फ्रॉम हाई स्कूल नेम इज विजय पब्लिक, माय डिस्ट्रिक्ट नेम इज बस्ती, माय स्टेट उत्तर प्रदेश, माय कंट्री नेम इज इंडिया। वेरी नाइस बेटा। तो अब हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, तो क्या आप कोई टॉपिक चूज करना चाहेंगे जिस पे मैं क्वेश्चन करूं? किसी भी टॉपिक पे पूछिए। किसी भी टॉपिक पे? यस। आर यू श्योर? यस। चलिए ठीक है, सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। तो आप ये बताइए, प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और प्रेजेंट टाइम पे हमारे देश के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति कहते हैं जिनको? रामनाथ कोविंद। अच्छा ठीक है, ये बताइए पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को कितने महाद्वीपों में बांटा गया है? 7। कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। वेरी नाइस। ये बताइए इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए ठीक है बेटा, पॉपुलेशन जिसको हम जनसंख्या कहते हैं, बताइए किस देश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है? चाइना। और सबसे कम पॉपुलेशन? वेटिकन सिटी। वेरी नाइस। आदर्श जी, अब आप ये बताइए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील। और भारत की? गंगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका। वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है आपका। अब आपसे हम कुछ राज्य और उनकी राजधानी भारत के, और उसके बाद कुछ देशों के राजधानियों के नाम पूछेंगे और वहाँ पे चलने वाली करेंसी मुद्रा के बारे में पूछेंगे। yes. बताएंगे आप? yes. चलिए ये बताइए कि भारत देश की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और भारत में मुद्रा कौन सी चलती है? रुपया। अमेरिका की राजधानी? वाशिंगटन। अमेरिका की मुद्रा? डॉलर। पाकिस्तान की राजधानी? इस्लामाबाद। वहाँ की मुद्रा? पाकिस्तान रुपया। जापान की राजधानी? टोक्यो। वहाँ की मुद्रा? येन। चलिए बहुत बढ़िया, अब बताइए आप कि हम जिस राज्य में रहते हैं उसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर जिनको हम मुख्यमंत्री कहते हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। वेरी नाइस। ये बताओ कि पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ओके आदर्श जी, ये बताइए आप, आपको भूख तो नहीं लगी है? स्लोली स्लोली लगी है। स्लोली स्लोली। yes. ये बताइए आपको चॉकलेट पसंद है या फ्रूट? लड्डू। लड्डू पसंद है? yes. चलिए ठीक है, लड्डू हम खिलाते हैं आपको, ये लीजिए, एक आप खाइए और एक हम खाते हैं, ये लीजिए वाटर। पानी पी चुके आदर्श जी? yes. लाइए मैं रख देता हूँ। चलिए अब रेडी हैं? yes. चलिए ये बताइए सौरमंडल के बारे में आप क्या जानते हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए बताइए सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा? बुध। हम लोग किस ग्रह पे निवास करते हैं, रहते हैं? पृथ्वी पे। अच्छा ये बताइए वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। बहुत बढ़िया, अब ये बताइए आपसे हम कुछ नेशनल थिंग्स पूछेंगे, आर यू रेडी? यस। चलिए बताइए नेशनल बर्ड? पीकॉक। नेशनल एनिमल? टाइगर। नेशनल फादर? महात्मा गांधी। नेशनल एंथम? जन गण मन। नेशनल सॉन्ग? वंदे मातरम। नेशनल अवार्ड? भारत रत्न। नेशनल फ्लैग? तिरंगा। नेशनल सिंबल? अशोक चक्र।
नेशनल स्वीट जिलेबी, नेशनल ट्री बनियान ट्री। आदर्श जी ये पांच अंगुलियां हैं, इनके नाम आप बताइए। थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल। और हिंदी में? अगुस्ता, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। वेरी नाइस, अनएक्सपेक्टेड आदर्श जी, जितना हमने सोचा था उससे बेहतर आपने अपने नॉलेज को दिखाया, बहुत अच्छी तरह से हर क्वेश्चन के जवाब दे रहे हैं। अब हम आपसे साइंस के बारे में कुछ पूछेंगे, साइंस में है आपको नॉलेज? यस। चलिए ठीक है, बताइए कि हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर लेते हैं और कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और फिर ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। वेरी नाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। और ऑक्सीजन का? H2O। क्या? O2। वेरी नाइस। ये बताइए पांच ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अच्छा, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। ये बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? सर आइजैक न्यूटन। बहुत अच्छे। अब मैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे पूछूंगा। आप ये बताओ आदर्श बेटा कि इंग्लिश के जो अल्फाबेट है वर्णमाला में, इंग्लिश के अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26। इनमें से वावल कितने हैं? 5। कौन कौन से? AEIOU। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। वेरी गुड। ये बताओ कि आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 3 है। कौन कौन से? ए एंड द। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है आदर्श जी, अब मैं आपसे हिंदी व्याकरण के कुछ सवाल पूछूंगा। यू आर रेडी? यस। यू आर कंफर्टेबल? यस। ओके, ये बताओ कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी व्याकरण में कुल कितने अक्षर हैं? 52। इनमें से स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन? 33। इनमें से आयोगवाह कौन कौन से हैं? अंगा। और संयुक्त व्यंजन? 4। कौन कौन से? छात्र, अनुसार। बहुत अच्छा बेटा, अब आता है मैथ का टर्न। ओके, मैथ के बारे में हम आपका बोर्ड लगवा देते हैं और मैथ के बारे में आप बताइए जो जो पूछेंगे। रेडी हैं? यस। चलिए ठीक है आदर्श बेटा। हाँ। ये बताओ तुमको घड़ी देखना आता है? यस। एक वॉच में कितनी सुइयां होती हैं? 3। कौन कौन सी? मिनट, सेकंड, घंटा। एक घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। पूरे दिन और रात को मिलाकर कितने आवर होते हैं? 24। 365 दिन में कितने वर्ष होते हैं? 1। और 366 दिन में? 1 लीप ईयर। वेरी नाइस। ये बताओ कि मैथमेटिक हो या लैंग्वेज हो, जैसे हिंदी या इंग्लिश, इसमें हम पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हैं, कुछ सिंबल होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज है? यस। सबसे पहले तुम बेटा क्वेश्चन मार्क बनाओ, फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अच्छा, अब बनाइए आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, ऐड, इक्वल। हाँ, बहुत अच्छे बेटा। इधर आओ, ये बताओ कि 8 का वर्गमूल क्या होगा? 8 का 64। और 10 का? 100। अब बताओ तुम 20 का वर्गमूल? 400। 6 का? 36। ये बताओ बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में बना के बताओ कि सर्किल कैसे बनता है? ऊपर ऊपर ना, ट्रायंगल, उसके बाद इधर बगल में बनाओ रेक्टेंगल, अब बनाओ आप स्क्वायर, वर्ग,
चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक भाग देता हूँ डिवाइड, उसको आप लगाएंगे। यस। चलिए ठीक है, भाग है आपका, इसको मिटा देते हैं। सिक्स थ्री सेवन टू, इसको लगाइए आप। सिक्स क्या 36? यस। नौ बचा। यस। कट कट हो गया। सिक्स टू जा 2। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। ओके आदर्श जी, अब हम आपसे आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ बातें पूछेंगे। ये बताइए आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉकी खेलना, घी के पराठे खाना और फिर गाने सुनना। बहुत बढ़िया। ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? आईएएस अफसर। हम कामना करते हैं कि आप आईएएस अफसर बड़े होकर जरूर बने, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्यूअर्स भाइयों, अगले टैलेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।